हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे खेलकर आप अपने दोस्तों को धूल चटा दोगे। ये बहुत इजी टू लर्न ट्रिक है, लेकिन खेल तो आप उसको तभी पाओगे जब आपको इसके तीनों वेरिएशंस पता होंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चेस ट्रिक को ओर्बिनोनी ट्रैप कहते हैं और आपको इसको ब्लैक पीसेस से खेलना है। आपको ये खेलना तब है जब आपका ओपोनेंट गेम की शुरुआत पॉन टू d4 से करे, फिर आप चलोगे c5। ब्लैक की इस ओपनिंग को ओर्बिनोनी डिफेंस कहते हैं। वैसे तो यहाँ पर पॉन को पुश करना बेस्ट मूव होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को लगता है कि उनको फ्री में पॉन मिल रहा है तो वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। अब वैसे तो आप क्वीन से चेक देकर उसके पॉन को डायरेक्टली भी उठा सकते हो, लेकिन आज जो हम ट्रिक देख रहे हैं उसमें आपको डायरेक्टली उसका पॉन नहीं मारना है। उसकी जगह आप e6 चलकर अपने बिशप से उसके पॉन पर अटैक करोगे। यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इस पॉन को जाने देगा और अपने पीसेस को डेवलप करेगा, लेकिन अगर कोई लालची प्लेयर होगा, जो कि ज्यादातर लोग होते हैं, तो वो इस पॉन को बचाने की कोशिश करेंगे। और व्हाइट के पास तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले या तो वो अपने बिशप से उसको डिफेंड कर सकता है, लेकिन ये इतना अच्छा मूव नहीं है क्योंकि इससे उसका पॉन और बिशप दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है उसके पास कि वो क्वीन से उसे डिफेंड करे, लेकिन फिर नेक्स्ट मूव में उसकी क्वीन पर अटैक हो रहा है और उसका मूव वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इस पोजीशन में आप देखोगे कि ज्यादातर लोग पॉन टू b4 चलकर उसे डिफेंड करते हैं। फिर आपको चलना है a5। यहाँ पे उसके पास तीन ऑप्शंस हैं, जिसको हम तीन वेरिएशंस में कवर करेंगे। सबसे पहले लेट्स सपोज वो हमारा पॉन कैप्चर कर लेता है, उस केस में आप उसका c5 पॉन मार लोगे। अब उसके a5 पॉन पर भी डबल अटैक हो रहा है और वो इसको एक ही तरह से बचा सकता है, जो कि है बिशप टू d2 चलकर। लेकिन अब आपको चलना है क्वीन टू f6। इस मूव के साथ ही आप उसके हाथी पर तो अटैक कर ही रहे हो, साथ में उसके किंग को भी चेकमेट का थ्रेट दे रहे हो। यहाँ पर 90% ऑफ प्लेयर्स बिशप टू c3 चलते हैं, क्योंकि अब उसने अपने रुक को भी बचा लिया और अपने किंग के लिए स्पेस भी क्रिएट कर दी ताकि वो चेकमेट ना हो। बट अब आप उसका पॉन कैप्चर करके उसको चेक दोगे। अब उसके किंग के पास एक ही मूव है, फिर आप अपनी रानी से चेक दोगे। यहाँ पे उसके पास दो मूव्स हैं। सबसे पहले अगर वो चेक को अपने पॉन से ब्लॉक करता है तो उसका गेम खत्म है, क्योंकि फिर आप पॉन मार के उसके किंग का चेकमेट कर दोगे। और उस पोजीशन में अगर वो चेक को ब्लॉक करने की जगह अपने किंग को मूव करता है, तो आपको सिंपली चलना है क्वीन d5 चेक। अब उसका किंग हो चुका है ट्रैप्ड और उसके पास एक लौता मूव बचा है, जो कि है वो अपने बिशप से चेक को ब्लॉक करे। बट फिर आप उसको कैप्चर कर लोगे और इसी के साथ एक बार फिर से उसका चेकमेट हो चुका है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो आप सोच रहे होगे कि जरूरी थोड़ी है वो अपने बिशप को ही चले, उसकी जगह वो अपने पॉन को भी तो आगे बढ़ा सकता है हमारा अटैक रोकने के लिए। उस केस में आपको सिंपली उसका रुक कैप्चर कर लेना है। बट यहाँ पर व्हाइट के पास भी एक अच्छा मूव है, वो अपने बिशप को c3 पर चल सकता है। अब हमारी क्वीन पर अटैक है और अगर हम उसको बचाएंगे तो वो हमारा पॉन कैप्चर करके हमारा रुक ट्रैप कर सकता है। बट दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पर एक किलर मूव है। हम अपने रुक को बचाने के लिए अपने बिशप को सेक्रीफाइस करेंगे, हम उसको b5 पर चलेंगे। अब उसका बिशप मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो हो गया है पिंड, तो उसको मजबूरी में मारना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो मारेगा, आपको अपने नाइट को डेवलप करना है। यहाँ पे हमने अपने बिशप को जरूर सेक्रीफाइस किया है, लेकिन हमको भी उसका रुक मिला है। और जैसे कि आपको पता है, रुक की वैल्यू बिशप से ज्यादा होती है, तो हम ऑलरेडी एक्सचेंज अप है और ये गेम आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर हम वापस से पीछे जाए और लेट सपोज आपका ओपोनेंट उस पोजीशन में पॉन को मारता ही नहीं है, उसकी जगह वो अपने पॉन को डिफेंड करते हुए a3 चलता है, फिर आप सिंपली उसका पॉन कैप्चर कर लोगे और वो रिकैप्चर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका रुक मर जाएगा और आप इस गेम को बड़े आराम से जीत जाओगे। और फाइनली उस पोजीशन में लेट सपोज ना तो वो कैप्चर करता है, ना ही a3 चलता है, उसकी जगह वो c3 चलकर अपने पॉन को डिफेंड करता है, तो उस केस में भी आपको उसका पॉन कैप्चर कर लेना है। और अगर वो रिकैप्चर करता है तो नेक्स्ट मूव को देखकर उसको डेफिनेटली झटका लगने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मूव में आप क्वीन टू f6 चलकर उसके रुक पर अटैक करोगे। अब उसका रुक ट्रैप्ड हो चुका है और उसको बचाने के लिए उसे मजबूरी में अपना नाइट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसके बाद आप उसको कैप्चर करते हुए उसको चेक दोगे। फिर वो अपने बिशप को d2 पर चलेगा
और इसी के साथ वो हमारी क्वीन पर भी अटैक कर रहा है और उसने अपना रुक भी सेव कर लिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी आपने उसका नाइट फ्री में कैप्चर कर लिया है। तो आप अपनी रानी को सिंपली सेव कर लोगे। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक एक्स्ट्रा नाइट है जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और इस गेम को आप बड़े आराम से विन में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये था ओल्ड बिनोनी ट्रैप। और अगर आप मेरे साथ चेस खेलना चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पर मैं लाइव आऊंगा एंड वी कैन प्ले टुगेदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।